भाग्यशाली है, बहुत खुशकिस्मती है। आज आज अफसोस लगता है, चाहे आपके स्थानीय विधायक सुदीप सोनू जी हो, या वर्तमान के सांसद श्रीमान चंद्रप्रकाश चौधरी जी हो, या वर्तमान के राज्य सरकार के मुखिया श्रीमान हेमंत सोरेन जी हो, या गांडे की श्रीमती विधायक महोदया कल्पना सोरेन जी हो, मैं तमाम लोगों को इस बात को कहकर जाएंगे इस धरती से कि यदि इतना चिंता, जितनी चिंता आपको अपनी पत्नी और अपने लोगों को विधायक बनाने और मंत्री बनाने पर जितनी चिंतन होती है, श्रीमान उनका 5% भी यदि माटी के लिए चिंता होता तो शायद हमारे लोग पलायन नहीं करते, हमारे लोग पलायन नहीं करते। आपने किसी प्रकार की नीतियों पर अमल नहीं किया, किसी प्रकार के नीति लागू करने का आपने जद्दोजहद नहीं किया। श्रीमान आज अल्पसंख्यकों की बात यदि आप करेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय यदि मुस्लिम वर्ग की बात आप करेंगे, तो केवल और केवल हमारे मुस्लिम भाइयों को ठगा गया है, छला गया है, उनको पीड़ा दिया गया है, इससे ज्यादा परिचय हमारा कुछ नहीं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि आप सोए हुए हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई सोए हुए हैं, यही सत्य है और यही हक भी है। आप कभी जागे हुए रहते, आप कभी बेदार रहते, तो मुझे लगता है कि आपकी आबादी 55 लाख है। 55 लाख आबादी गुमराह नहीं होता, इसलिए गुमराह हो गए कि आप जिंदाबाद तक सीमित रह गए, दरी बिछाने तक, तंबू गाड़ने तक सीमित रह गए, यही आपका परिचय। आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेल के हमने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे साथ रहेगा वो जिंदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, मुर्दाबाद तक सीमित नहीं रहेगा। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे युवावस्था में हो, सारे वर्ग, सारे अवस्था वालों को हम लोग बराबरी का हिस्सा देंगे और कदम से कदम ताल कराकर उनको लीडर बनाने का संकल्प हमारा JBKSS ने लिया है और इस संकल्प को पूरा 24 में करेंगे, तैयारी हमारी। इसीलिए मेरे भाइयों, आज आपके बीच में अपील करने के लिए आए हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ देखकर सभी पार्टियों के दिलो दिमाग में इस बात की चिंता जगी है कि अब क्या होगा। प्रदेश को तो हम लोगों ने लूटने का काम किया है, लेकिन नौजवानों का जो टोला तैयार हुआ है, ये टोला बृहद झारखंड की बात करता है, ये टोला शहीदों की बात को करता है, ये टोला भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाने की बात करता है। कुतुबुद्दीन अंसारी, कयूम अंसारी और तमाम हमारे योद्धा जो थे, शहीद शक्तिनाथ महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो जैसी शख्सियत की बात करता है, उनके सपनों को साकार करने की बात करता है। अब क्या होगा? हमने कहा कि झारखंड को आपने 23 साल लूटने का काम किया श्रीमान, अब झारखंड में नौजवानों का टोला तैयार किया गया है, अब हम लोग लूटने नहीं, हम लोग अपने झारखंड के लिए अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, अपने झारखंड के माटी को बचाने के लिए आए हैं, अपने खदानों की सुरक्षा के लिए आए हैं, अपने पलायन को रोकने के लिए हम लोग आए हैं। और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग उलगुलान करेंगे, और ऐसा उलगुलान करेंगे जिस उलगुलान की चर्चा उस वक्त किया जाता था जिस वक्त बिरसा के रूप में, भगवान के रूप में आया हुआ बिरसा मुंडा अपने योद्धाओं को तैयार करता दिखा था। शेख भिखारी ने अपने योद्धाओं को तैयार किया था अंग्रेजों को लड़ने के लिए, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। निर्मल महतो ने झारखंड अलग राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ा था, आज 24 साल के बाद टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तैयारी आपको करना है। आज पूरे प्रदेश में सबका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब हम लोगों ने यह तैयारी किया है कि हमारा कार्यक्रम पूरे 81 विधानसभा, 5 प्रमंडल, 24 जिला में हम लोग करेंगे, और 24 जिला में सबसे मजबूत यदि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का यदि किसी पार्टी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है JBKSS अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश में हर पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसलिए कि खार बाबू तबे बाहर बाबू, आप जिस विंग से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं,
इस वर्ग को यदि आप मजबूत नहीं करेंगे तो जिंदाबाद वहां भी करते थे, जिंदाबाद यहां भी करेंगे, मुझे डर किसी चीज का नहीं। आप अपने आप को तैयार कीजिए, आप अपने अंदर लीडरशिप की क्षमता उत्पन्न कीजिए और आप अपने लोगों को तैयार करिए और कहिए कि जयराम महतो को मजबूत करना है तो पहले मुसलमानों को मजबूत करके इरादे को मजबूत करना होगा, तब जयराम महतो मजबूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप रोड पर उतरे तो 10 लोग आपके साथ सेल्फी लेने का इच्छा जाहिर करेगा, ऐसी तैयारी आपको करना है। हम लोग जब अपने सफर का आगाज किए थे तो आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हम लोगों के साथ कितनी तकलीफें आई, कितने दर्द का सामना हम लोगों ने किया, बड़े नजदीक से हमने इस चीज को अनुभव किया। आज तो माशाल्लाह हमारे साथ फोर व्हीलर भी चलता है, माशाल्लाह हमारे साथ सैफ भाई जैसी शख्सियत चलता है, रवानी दादा साथ में चलते हैं, चंद्रवंशी समाज का प्रदेश अध्यक्ष है शायद, सारे लोग चलते, टीम बना हुआ है, ये अब बना। लेकिन शुरुआती संघर्ष की यदि हम बात करेंगे तो रोना आ जाएगा आपको। हमारे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे लगता है कि युवा सम्मेलन में मैं शामिल भी नहीं हो पाऊंगा। तो बहरहाल इस बात को मैं कह रहा हूं कि सिपाही आपको छोटा बनना है, योद्धा आपको छोटा बनना है और उस छोटे अवधि में, उस छोटे पदभार में अपने आप को इस रूप में आप निखारिए कि पूरे प्रदेश में आपका निखार का चर्चा हो। पद बड़ा नहीं होता है, इंसानियत बड़ी होती है। इंसान क्या